हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर ऐसा। पांच जुलाई 1925, राजस्थान का दौसा कस्बा, और उस कस्बे में स्वर्गीय पंडित मूलचंद जी बोहरा के घर में सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के मसीहा का जन्म हुआ, जिनको किसी ने पंडित जी कहा तो कोई बाबूजी कहता रहा। लेकिन भारतीय राजनीति में गंगा जमनी तहजीब का ये सितारा पंडित नवल किशोर शर्मा के नाम से दिलों में आज भी राज करता है। पंडित नवल किशोर बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। आगरा विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई करने वाले पंडित जी की शादी दौसा के ही प्रतिष्ठित व्यास परिवार की सहनशील मम्मी देवी जी से हुई। पंडित नवल किशोर जी का छात्र जीवन स्वतंत्रता आंदोलन के स्वर्णिम इतिहास में दर्ज है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू के विचारों को इस युवा छात्र नवल किशोर ने अपने मानस पटल पर अंकित कर लिया, और दौसा का ये नवयुवक अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में खड़ा हो गया। 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय छात्र राजनीति के नेता के रूप में पंडित नवल किशोर ने अपनी पहचान बनाई। 15 अगस्त 1947, भारत आजाद हुआ। इसके साथ ही राजनीति में प्रजामंडल की स्थापना हुई, और पंडित नवल किशोर प्रजामंडल के सदस्य के रूप में मनोनीत हुए। बस फिर क्या था, सामाजिक सरोकारों को अपने जीवन का ध्येय मानने वाले पंडित जी ने मानो अब तो आजाद भारत के समाज को बदलने की ठान ली थी। सन 1952, पंडित नवल किशोर नगर पालिका दौसा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बने। पंडित जी की दूरदर्शिता का अंदाज हम और आप इस बात से सहज ही लगा सकते हैं कि 1952 में ही पंडित जी ने महिला उत्थान को ध्यान में रखते हुए महिला प्रसूति गृह का निर्माण करवाया। पंडित नवल किशोर जानते थे कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र की नींव आयुर्वेद पर टिकी है, इसलिए उन्होंने 50 के दशक में कई आयुर्वेदिक औषधालयों का निर्माण करवाया। सन 1960, पंडित नवल किशोर शर्मा पंचायत समिति दौसा के प्रधान निर्वाचित हुए। तब उनकी प्राथमिकता किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा बिजली के कनेक्शन दिलवाकर आधुनिक उपकरणों से खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना था। एक बार गरीब और असहाय व्यक्तियों के लिए किए गए कार्यों के लिए आयोजित एक समारोह में महामहिम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने अपने शब्दों में पंडित जी की प्रशंसा इस तरह की थी, देर आर ओनली ए हैंडफुल इंटेलिजेंट प्रोफेशनल डेडिकेटेड पॉलिटिशियंस, श्री नवल जी इज अमंग देम। साल 1968, संसद सदस्य चरणजीत राय की मृत्यु होने पर हुए उपचुनाव में जयपुर राजघराने के स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार पृथ्वीराज सिंह को हराकर पंडित जी ने भारतीय लोकतंत्र के महल भारतीय संसद में सांसद के रूप में शपथ ली, और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब तक डमी कैंडिडेट की कोई अहमियत नहीं मानी जाती थी चुनाव के दौरान में, तो भरुणलाल भारद्वाज जो जिला कांग्रेस के मंत्री थे, उन्होंने कहा नवल किशोर जी आप बैठे हो, आप जाके जरा भरे हो, वहाँ आप भर दो, डमी का क्या फ़र्क पड़ता है। तो पंडित जी ने ऐसे ही जा कर के फार्म भर दिया। बाद में राधेश्याम मुरारका को कुछ पत्रकार मित्रों ने कान में फूंक दी कि तुम कहाँ जीतोगे, वहाँ तो राज परिवार से पृथ्वीराज सिंह चुनाव लड़ेंगे, उनके सामने तुम कहाँ टिकोगे। तो उन्होंने पार्टी को बिना बताए, बिना विश्वास में लिए, चुपचाप जा कर के जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर जयपुर के यहाँ से अपना नामिनेशन वापस ले लिया। ये राजस्थान में अपने किस्म की पहली और आखिरी घटना थी कि कोई ऑफिशियल कैंडिडेट बिना पार्टी को बताए
और अपना नॉमिनेशन लेकर चुपचाप रवाना हो जाए। नतीजा ये हुआ कि नवल किशोर जी के, जिन्होंने कभी कोई MLA का चुनाव नहीं लड़ा था, किसी तरह का कोई चुनाव के अंदर वो नहीं है, उनके चुनाव गले आ पड़ा और उन्होंने बहादुर बहादुरी से लड़े। और मोहनलाल सुखाड़े जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे, दामोदर व्यास जो उस समय गृहमंत्री थे, उन लोगों ने मतलब पूरी शक्ति लगाई और राज परिवार के महाराज कुमार पृथ्वी राज को जो है वो चुनाव के अंदर पराजित किया। अपनी व्यवहार कुशलता और कार्य कुशलता के बल पर पंडित जी उस जमाने की दिग्गज नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के चहेते हो गए। बाबूजी ने 1972 के आम चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच अपनी बात रखी। दौसा क्षेत्र की जनता ने भी पंडित जी में अपना विश्वास व्यक्त किया और दूसरी बार विजयश्री लेकर 1971-72 में पंडित जी संसद की हाउस कमेटी में रहे। सन 1973 में ही पंडित नवल किशोर शर्मा को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का संयुक्त सचिव बनाया गया। 1977 में जब देश पर आपातकाल की छाया थी और कांग्रेस का जनाधार काफी कम हो गया था, ऐसे में सच्चे कांग्रेसी बाबूजी भी कहीं अछूते रहने वाले थे और पंडित जी भी चुनाव हार गए, परंतु उन्होंने अपनी सेवा भावना को कभी नहीं छोड़ा। इंदिरा जी के सामने परिस्थिति बन गई थी कि अब कांग्रेस का विभाजन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो सूर्य उनके समर्थक ने जिद करी कि आपको मैडम उसमें विभाजन करे बिना आप काम नहीं चलेगा। और मैडम ने 1 जनवरी स्वतंत्र को दिल्ली में पार्टी का एक अधिवेशन बुलाया और कांग्रेस को 2 हिस्सों में बंट गई। और उस समय सही माने में राजस्थान के अंदर कोई नेता कांग्रेस पर इंदिरा जी के साथ नहीं था। मोहनलाल सुखाड़िया बरसों चीफ मिनिस्टर थे, वो हमारे साथ नहीं थे। रामलीला जी मिर्दा हमारे साथ नहीं थे, नाथूराम जी नहीं थे, हरदेव जी नहीं थे, मदेनला जी नहीं थे, मथुरादास जी माथुर नहीं थे। मतलब ये सारे नेता जो है पूरे राजस्थान के अंदर राज किया ये लोग सब नहीं थे। और इंदिरा जी के साथ आने के लिए बड़ी मुश्किल कठिनाइयों का जोड़ तोड़ था। तो हमने रामकिशोर जी व्यास को बड़ी मुश्किल से तैयार किया। वो सुखाड़िया जी के राइट हैंड थे एक जमाने में, उनको साथ वापस इंदिरा जी के साथ लाने में नवल किशोर जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। और नवल किशोर जी के प्रयासों से बाबू नवल राम किशोर जी ने स्वीकार किया और उसका नतीजा है कि हमने कांग्रेस यहाँ गठन की और 1980 में ही दोबारा लोकसभा का चुनाव जीत लिया। सन 1981 में पंडित जी ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बने। जुलाई 1982 में पंडित नवल किशोर शर्मा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए पंडित जी ने राजस्थान कांग्रेस को सशक्त बनाया। पंडित जी समय समय पर विचार विमर्श के समय एक कथन अवश्य कहते थे कि दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाला और प्रतिभाशाली व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ सकता है और लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। और इसी शक्ति के दम पर बाबूजी ने सन 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज सतीश चंद्र अग्रवाल को लगभग 84,000 मतों से पराजित किया और चौथी बार जयपुर से सांसद बनकर लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। 21 अक्टूबर 1984, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या से समूचा राष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा विश्व स्तब्ध था, तब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने मंत्रिमंडल में मात्र एक परिवर्तन किया, जिसमें पंडित नवल किशोर शर्मा को स्वतंत्र प्रभार का वित्त राज्य मंत्री बनाया गया। राजीव गांधी ने पंडित जी की कार्य कुशलता को देखते हुए 1985 में पेट्रोलियम मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार देते हुए इन्हें पेट्रोलियम मंत्री बनाया। गांधीवादी विचारधारा के पंडित नवल किशोर हमेशा से ही अपने वचन के पक्के रहे। उन्होंने यदि किसी को काम के लिए हाँ कर दी तो समझो काम हो ही गया और न होने वाले काम के लिए बिना विलंब किए ना बोलना भी इनके स्वभाव में समाया हुआ था। राजस्थान का कोई भी व्यक्ति गया, कभी उन्होंने उसको हताश नहीं लौटाया,
सबके लिए चिट्ठियां लिखते थे, और जो हाँ प्रेशर में वो कभी नहीं आते थे। अगर कोई उनको प्रेशर डालने की कोशिश करता कि नहीं बाबूजी ये काम तो करना ही पड़ेगा, तब वो कहते थे अरे दुकाना मत चलाओ, दुकाना मत चलाओ। ये उनका परमानेंट पैट वर्ड था, दुकाना मत चलाओ। जो उनको अच्छा लगता था वो भांप लेते थे कि ये काम ठीक है, तो वो अपने पीए को बुला के डिक्टेशन देते थे, चिट्ठियां लिखते थे, टेलीफोन की जरूरत पड़ती थी टेलीफोन भी करते थे। जो उनको नहीं जचते थे उनको वो साफ कहते थे तो भाई मेरे बस का नहीं, फिर ज्यादा प्रेशर डालते थे उनका, जाओ दुकाना मत चलाओ। सन 1989 में जब राम मंदिर निर्माण की लहर के प्रभाव में देश भर में दूसरी बार कांग्रेस की स्थिति कमजोर रही, इसी चुनाव में पंडित जी को भी लोकसभा के लिए दौसा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में हार का सामना करना पड़ा। सन 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिंहा राव ने पंडित जी को अखिल भारतीय खादी आयोग का अध्यक्ष बनाया। पंडित जी ने 1996 तक के अपने कार्यकाल में खादी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। एक बार अपने उद्बोधन में बाबूजी ने कहा कि खादी आंदोलन विचारधारा नहीं बल्कि एक दर्शन है। अगर इस देश का हर नागरिक एक वस्त्र खादी का पहनने की प्रतिज्ञा कर ले तो खादी का उत्पादन इतना हो जाएगा कि इससे भारी मात्रा में लोगों को रोजगार मिलेगा। जिन्होंने गांधी को नहीं देखा, अगर नवल किशोर जी को देख लिया हो तो मैं तो ये समझता हूँ हमने गांधी देखा। वही आचरण थे, वही रहन सहन था, वही विचार थे, और गांधी के प्रति बड़ी आस्था थी, और सबसे बड़ा उनको खादी के प्रति बड़ा लगाव था। खादी के लोग कहते हैं खादी जो बुनियाद है, जो कई गरीबों को है ना उससे, वो गवर्नर होने के बाद भी लेकिन खादी से जुड़े रहे। खादी की मीटिंग होती थी, उस खादी की मीटिंग में जाते थे। मानव धर्म में विश्वास रखने वाले पंडित जी कहते थे मैं ईश्वर में पूरी आस्था रखता हूं, किंतु दिखावे और आडंबर के सख्त विरुद्ध हूं, और इन्हीं विचारों के चलते ऊंचे ऊंचे पदों पर रहते हुए भी पंडित जी पर कोई आरोप नहीं लग पाया। ऐसा कोई बल नहीं था जिसमें उठे नहीं। सांसद रहे 4-5 बार, एमएलए 2 बार रहे, केंद्रीय मंत्री 2 बार रहे, राज्यपाल रहे, और कांग्रेस में जो था खादी बोर्ड राइस पूरे भारत का उसके अध्यक्ष रहे, मतलब और महासचिव रहे कांग्रेस संगठन के पूरे भारत में। मतलब ऐसा कोई पद नहीं था जो कि नवल किशोर जी को नहीं मिला हो। और नवल किशोर जी का जो राजनीतिक जीवन रहा, मैं नहीं समझता हूँ उसके किसी मीडिया ने, किसी पक्ष ने, विपक्ष ने उनके खिलाफ किसी प्रकार की एक लाइन छापी हो या किसी प्रकार का कलंक लगाओ। सन 1996 में पंडित जी ने लोकसभा चुनाव अलवर से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में लड़ा, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जसवंत यादव को हराकर लोकसभा सदस्य के रूप में 5वीं बार शपथ ली, और पंडित जी के राजनीतिक जीवन का उजास चहुओर प्रसारित हो रहा था। जयपुर में कांग्रेस के वर्चस्व को पुनर्स्थापित करने का विचार कांग्रेस हाईकमान को आया। 1998 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में पंडित जी को जयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का आदेश हुआ। ये चुनाव बड़ा ही कठिन चुनाव था, क्योंकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का विगत 22 वर्षों से कब्जा था। सन 1998 के इसी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की डॉक्टर उजला अरोड़ा को पंडित जी ने लगभग 25,000 वोटों से हराकर विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। सन 1998 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंडित जी को स्वतंत्रता समिति का चेयरमैन बनाया। उसी दौरान दिल्ली को पंडित जी की आवश्यकता महसूस हुई। भारत के इतिहास में पहली बार किसी राज्य के विधायक यानी पंडित जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया गया। इसी बीच कांग्रेस को सशक्त बनाने
और कार्यकर्ताओं में निखार लाने के उद्देश्य से नरोरा अधिवेशन की तर्ज पर मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में कांग्रेस का अखिल भारतीय अधिवेशन पंडित नवल किशोर शर्मा के नेतृत्व में उनकी अध्यक्षता में ही आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में आज के महामहिम राष्ट्रपति और तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वित्तीय प्रस्ताव का और तत्कालीन मानव संसाधन एवं विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने राजनीतिक प्रस्ताव का पठन किया। सन 2003 तक के राजनीतिक जीवन में पंडित जी ने अपने सदव्यवहार और कुशल कार्यशैली से देश भर में असंख्य प्रशंसक, शुभचिंतक और समर्थक बना लिए। वास्तविकता में तो बाबूजी की जीवन शैली एक दबंग व्यक्तित्व की थी। वो सही बात को कहने में, चाहे कोई सामने वाला कितना ही बड़ा आदमी हो, कभी चूकते नहीं। उनकी गलती को, उसकी गलती को उसके मुंह पे ही कह देते थे। लेकिन एक विशेषता और थी, चाहे उनसे कितना ही छोटा हो, अगर उसने कोई अच्छा काम किया है तो उसको बधाई भी देते। पंडित जी स्तंभकार, गांधी स्मृति राजघाट के सचिव, कवि सम्मेलनों और मुशायरों के आयोजक रहने के साथ साथ स्वर्ण जयंती समारोह के उत्थापक भी रहे। अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में सुपुत्र वर्तमान शिक्षा मंत्री ब्रजकिशोर शर्मा को जयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सन 2003 में विधायक का चुनाव जिताया। इस वर्ष कांग्रेस को मिली मात्र 52 सीटों में ब्रजकिशोर शर्मा की जीत की वजह खुद उनकी मेहनत तो थी ही, लेकिन पंडित जी की लोकप्रियता के आशीर्वाद के बिना शायद ये मुमकिन नहीं होता। इसमें कोई शक नहीं है, बाबूजी ने मुझे समय समय पर ढांढस भी बंधाई, सपोर्ट भी दिया और मैंने कभी उनके राजनीति में दखल नहीं दिया। मैं किन शब्दों में उन वर्कर्स का आज बाबूजी में हमारे मेरे साथ नहीं है, वो मेरा साथ छोड़ गए। लेकिन उनकी प्रेरणा से और वर्कर्स के मेहनत से 2003 में जो बीजेपी की आंधी थी, उस आंधी में भी मैं चुनाव जयपुर से जीता। सन 1952 से 2003 तक की 51 वर्ष की पंडित जी की राजनीतिक यात्रा भारतीय राजनीतिक इतिहास में दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह चमकती रहेगी और हम सबको प्रेरित करती रहेगी। आज भी समाज का कोई भी फंक्शन होता, वो छोटा फंक्शन हो चाहिए, कितने आदमी नहीं देखते थे वो उस फंक्शन में आते थे, वो समाज को एक ये मैसेज देते थे कि समाज के हर व्यक्ति, हर बच्चा चरित्रवान बने, ईमानदार बने और दबंग बने। 5 जुलाई 2004 को पंडित जी राजनीति से पूर्णतः मुक्त हो गए जब उन्हें केंद्र द्वारा गुजरात राज्य का राज्यपाल बनाया गया, लेकिन धर्मपरायण पत्नी के निधन के कारण 24 जुलाई 2004 को पंडित जी ने गुजरात के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। पंडित जी 5 साल तक गुजरात के महामहिम राज्यपाल रहे और इस कार्यकाल में भी उन्होंने गुजरात वासियों के दिलों पर राज किया। जब पूरा देश भौतिकवाद और पाश्चात्यवाद के आकंठ में डूब रहा हो, ऐसे में भारतीय संस्कृति से अटूट लगाव के चलते गुजरात के सोमनाथ में विश्वविद्यालय स्थापना की घोषणा पर स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती जी ने महामहिम गुजरात राज्यपाल के लिए टिप्पणी की, काश भारतवर्ष के हर राजभवन में पंडित जी जैसे सोच के राज्यपाल रहें तो भारतीय संस्कृति और संस्कृत का जिंदा रहना असंभव नहीं रहेगा, क्योंकि संस्कृत रहेगी तो संस्कृति जिंदा रहेगी। कहा जाता है कि महापुरुष
रोज पैदा नहीं होते बल्कि सदियां गुजर जाती हैं ऐसे व्यक्तित्व को पाने में। ऊंचे आत्मबल और आत्मसम्मान वाले सच्चे गांधीवादी नेता पंडित जी के बारे में एक बार प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी ने कहा, पंडित जी इज ए मैन ऑफ हाईएस्ट इंटेग्रिटी एंड ए मैन हु हैज द एबिलिटी टू से नो टू इवन द हाईएस्ट अथॉरिटी। अच्छे कार्यों के लिए विरोधियों की पुरजोर प्रशंसा के गुण ने आपके व्यक्तित्व को विराट बना दिया। मैं समझता हूं कि गुजरात के राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपने संवैधानिक पदों का दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करते हुए विपक्ष की सरकार होते हुए भी उसे जो तालमेल रखा वो एक अद्भुत था। वो AICC के जनरल सेक्रेटरी होते हुए अन्य दलों के नेताओं से जो उनका संपर्क था वो भी उनका अद्भुत था। राजस्थान के बड़े नेताओं में जो गिने जाते हैं 5-7 प्रमुख लोग और जिनमें अपना तो बहुत ज़्यादा था, स्वर्गीय श्री भैरव सिंह जी, स्वर्गीय बाबूजी नवल किशोर जी, स्वर्गीय श्री हरिदेव जोशी, स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया, ये राजस्थान के इतिहास में मील के स्टोन हैं और ये एक ऐसे लोग हैं जो हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे। और उनको एक शब्द में अगर मैं परिभाषित करूँ कि राजनीति में काम करते हुए भी उन्होंने अजात शत्रु के रूप में काम किया तो यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। सांप्रदायिक सद्भावना ने आपके व्यक्तित्व को निखारा। 22 जुलाई 2009 गुजरात की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने महामहिम के विदाई समारोह में रात्रि भोज का आयोजन किया। गुजरात में पत्थर दिल समझे जाने वाले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस वक्त मोम की तरह पिघल गए और भाव विभोर होकर कहा कि पिछले 3 दशक में मैंने ऐसा व्यक्तित्व नहीं देखा जो किसी भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संविधान की परिधि में रहकर कार्य को अंजाम देता रहा हो। मैं एक सौभाग्यशाली मुख्यमंत्री हूं जिसे ऐसे महान व्यक्तित्व या कृतित्व वाला राज्यपाल मिला। मैं इनकी सादगी, खासियत व शख्सियत को मेरी और गुजरात की जनता की ओर से नमन करता हूं और गुजरात से जाने के बाद भी प्रदेश की जनता इनको भुला नहीं पाएगी। मेरे पास शब्द नहीं है कि इन शब्दों में मैं उनको श्रद्धांजलि दूं। उनका निधन निश्चित रूप से भारतीय राजनीति के क्षेत्र में एक अपूर्व पूर्णीय क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। इस तरह का व्यक्तित्व शायद कई वर्षों सदियों के बाद होता है। और लोकतंत्र के लिए समर्पित पंडित नवल किशोर शर्मा जी ने 8 अक्टूबर 2012 को रात्रि 11:10 पर उपचाररत रहते इस भावना के साथ चिरसंगनी मृत्यु का वरण कर स्वयं को अमर बना लिया। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं और व्योम में विलीन हुए नवल लेकर जब अपने कांधों पर दिखलाया था संसार मुझे है याद हंसी लम्हा खुलकर मैं हंसा था पहली बार। जब तक न हुआ था तनिक बड़ा तुम सदा रहे मेरे घोड़े मैं टिक टिक करता चलता था तुम चलते थे दौड़े दौड़े। कहाँ गए वो वादा खंडित कर ओ बचपन के मित्र। नमन हे पित्र नमन कलम की स्याही से ज्यादा आंखों में आंसू और दिल पर पत्थर चाहिए। आइए आज हम सब इस महान आत्मा को नमन करें। We
निश्चल कांग्रेसी विचारधारा और खादी के उस पुजारी को याद करें, ताकि आने वाली पीढ़ी ये याद कर सके कि राजस्थान की माटी से एक ऐसा जन नेता भी हुआ था जिसने राजनीति से ऊपर उठकर मानवता को जीवित रखा और जो हमेशा हमारे दिलों में अपनी अमिट छाप के साथ रहेगा, हमारे दिलों में अपनी अमिट छाप के साथ रहेगा।